सबसे पहले हम बात कर लेते हैं समर ट्रेनिंग के बारे में। देखिए, जब आप इलेक्ट्रिकल कोई ब्रांच के क्यों ना हो फोर्थ सेमेस्टर में आ जाते हैं, तो फोर्थ सेमेस्टर एग्ज़ाम के बाद यानी कि फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम देने के बाद आपको समर ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि समर ट्रेनिंग में एक सर्टिफिकेट मिलता है, ठीक है। इसका उपयोग फील्ड एक्सप्लोरर्स में यानी जो फिफ्थ सेमेस्टर में प्रैक्टिकल होता है, 50 नंबर की आपकी समर ट्रेनिंग होती है, उसमें यूज होता है ये, ठीक है। एग्जामिनर क्वेश्चंस भी पूछता है समर ट्रेनिंग कहाँ की, क्या सीखा, तो इसीलिए देखिए समर ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये आपको कहाँ से करना चाहिए वो भी बताने वाले हैं। देखिए, मेरा व्यू ये है कि आप समर ट्रेनिंग है वो ऑफलाइन ही करें और ऑनलाइन ना करें बिल्कुल भी, ठीक है। अब प्रश्न ये उठता है कि किस ब्रांच के बच्चे किससे समर ट्रेनिंग करें। सबसे पहले हम बात करेंगे सिविल और आर्किटेक्चर्स व IDD व मैकेनिकल के बच्चे कैड से करें अपनी समर ट्रेनिंग, ठीक है। फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम के बाद समर ट्रेनिंग होती है एक मंथ की। इलेक्ट्रिकल के बच्चे PLC से करें, स्काडा से करें और UPPCL से भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए PLC इलेक्ट्रिकल वाले PLC स्काडा से करें। इलेक्ट्रॉनिक्स व IC के बच्चे एम्बेस्टर सिस्टम से प्राप्त करें। अब बात करते हैं CS और IT के बच्चे जो हैं वो यहाँ पर देख सकते हो एंथाइट या पाइथन से करें, TD या FD वाले, जो TD FD वाले हैं कंप्यूटर बेस्ड डिजाइन से करें। जो आपके मैं ब्रांच बता रहा हूँ समय ट्रेनिंग कहाँ से करनी चाहिए, तो देख सकते हो आप लोग ये जो मैं आपको बता रहा हूँ यही मतलब स्थान्स है, जो ब्रांच है मैंने ब्रांच के अकॉर्डिंग आपको बताया है कि कौन सी ब्रांच में मतलब कहाँ से समय ट्रेनिंग करनी चाहिए, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो आप लोग इसी समय ट्रेनिंग कर लेना, ठीक है। अब देखिए, मेरे हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे SPI सॉफ्ट प्रो इंडिया नकलऊ से करें। जो इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे हैं है ना, वो चाहें तो कर सकते हैं सॉफ्ट प्रो इंडिया नकलऊ से करें। CS व IT वाले लेक पाइल नकलऊ से करें, ये गुणवत्ता वाली ट्रेनिंग कराते हैं जो CS और IT वाले हैं। तो मैंने आपको बता दिया समय ट्रेनिंग क्या होती है और कब आपको करना चाहिए, तो समय ट्रेनिंग के आपके सारे डाउट्स दूर कर दिए और इसमें 50 नंबर मिलते हैं, इसलिए इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। और नहीं करोगे तो भैया क्या होगा, देखिए अगर आप समय ट्रेनिंग नहीं करोगे तो भैया आपका बैक लग जाएगा। हाँ जी, बैक, उस बैग को बोलते हैं इंटरनल बैग। अगर आप कितने नंबर का होता है, 50 नंबर कहाँ से करने चाहिए मैंने बता दिया, कितने रुपए लगते हैं ये डिपेंड करता है आप जिस कंपनी में जा रहे हो। देखिए कंपनी वाले जैसे मान लीजिए आप जैसे कॉलेज में कराते हैं, बहुत से कॉलेज वाले तो वो लोग आपसे लेते हैं 2500 रुपये, कभी 3000 ले लेते हैं, तो वो डिपेंड करता है आपके कॉलेज और कंपनी के ऊपर, ठीक है। अगर नहीं किए तो भैया पक्का आपका इंटरनल बैग लगेगा, ठीक है। इंटरनल बैग बहुत बुरा होता है जिससे आपके एग्जाम पर सीधा असर पड़ता है, ठीक है। और कहाँ से करें जिससे आपकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी, मैंने आपको बता दी है सारी ब्रांचों की, इलेक्ट्रिकल और सिविल जो भी है मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, ठीक है। अब देखिए, अब बात करते हैं, मेरा अनुभव ये है, अब देखिए मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, वीडियो को यार स्किप ना करें, पहली बार मैं आपसे बोल रहा हूँ इस वीडियो को आप स्किप ना करें। मेरे पास 2014 से अनुभव है PLC और स्काडा व कैड कहाँ से सीखें इसके लिए मेरे पास अनुभव नहीं है, अतः राय नहीं दे सकता। यहाँ पर देख सकते हो, लेकिन लेखपाल CS व IT के लिए बेस्ट है और सॉफ्ट प्रो इंडिया जो है आपका, आप यहाँ पर देख सकते हो सिस्टम में बेस्ट ट्रेनिंग होती है। अब देखिए यहाँ पर देखिए, इसमें बता दिया, मैंने आपको बता दिया कि कहाँ कहाँ से आपको समय ट्रेनिंग करनी चाहिए, वीडियो स्किप ना करें प्लीज़, है ना। जो कि यहाँ बताया जा रहा है कि कोडर अच्छा है लेकिन पता नहीं वहाँ समर हो रहा है कि नहीं इसके बारे में, क्योंकि यहाँ पर एंटरटेस्ट ऐप बनाने में ज़्यादा फायदा है, जैसा कि मैंने अनुभव किया है कि इसके अलावा जो कंपनी